तो दोस्तों आपके घर की पूरी लाइट ओके है, बिल्कुल सब कुछ चल रहा है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उसमें से मान लीजिए आपके घर के बिजली के सामान में से कोई एक सामान, कुछ भी आप ले सकते हो, एसी, कूलर, फ्रीज, पंखा, वॉशिंग मशीन, बल्ब होल्डर, कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें से कोई एक सामान अगर खराब होता है तो क्या होता है, कई बार आपके घर का जो मेन स्विच होता है वो काम करना बंद कर देता है, या फिर इन्वर्टर में भी खराबी आ जाती है। तो उस समय आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको टेस्ट करा देते हैं, और 3 टिप्स आपको देने वाले हैं, वो आपको हमने बता दिया था। 3 टिप्स आपको बताएंगे कि कौन सी 3 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपके घर की जो लाइट है आप खुद से रिपेयर कर सकते हो, यानी कि हाउस वायरिंग का जो फॉल्ट है, हाउस वायरिंग को जो रिपेयर करने का काम है वो आप कर सकते हो। देखिए आपको दिखाते हैं, ये एक बल्ब होल्डर मैंने लिया है, इसलिए लिया है कि आपको समझा सकें। स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं, देखिए क्या होता है वो देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, अंधेरा हो गया है बिल्कुल, यानी कि आपके घर की जो पूरी की पूरी लाइट है वो चली गई है। उस समय आप क्या करोगे, पहला जो टिप्स है वो आपको देते हैं। देखिए आपको घबराना नहीं है, आपको मोबाइल की लाइट ऑन करनी है। देखिए जैसे हमने लाइट ऑन कर लिए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको कहाँ जाना है, एमसीबी बॉक्स के पास जाना है। एमसीबी बॉक्स के पास जाना है दोस्तों आपको, और कैसे जाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपके घर का एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, ये देखिए एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर आप इसको खोलेंगे, एमसीबी बॉक्स ये अंदर है देखिए दोस्तों। और ये देखिए यहाँ क्या मिलता है हमें, यहाँ मिलता है ये जो एमसीबी है, ये देखिए ये वाली C10 जो लिखा हुआ है, ये एमसीबी उस सर्किट की थी। तो ये क्या हुआ कि उस रूम की जो लाइट है वो बंद हो गई थी, बंद होने का कारण था वो बल्ब जो था वो खराब था। तो अभी हम क्या करेंगे, इस एमसीबी को ऊंचा कर देंगे। देखिए ऊंचा उठ भी नहीं रही है, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये ऊंचे भी नहीं उठ रहे। तो जो 2 नंबर टिप्स है वो आपको देते हैं कि ये मान लीजिए हम ऊंचा उठा रहे हैं इसको, देखो क्या हो रहा है, देखो ये ऊंची भी नहीं उठ रही है दोस्तों। तो अब क्या करें, ये भी एक सवाल है। तो अब आपको क्या करना है, वापिस से उसी स्विच बोर्ड के पास जाना है। चलिए उस स्विच बोर्ड के पास चलते हैं। तो दोस्तों उस स्विच बोर्ड के पास हम आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, उस स्विच बोर्ड में जितने स्विच हैं, देखिए जितने स्विच हैं आपको क्या करना है, सबको बंद कर देना है। और उसके बाद उस एमसीबी को आपको देखना है कि एमसीबी ओपन यानी उठ रही है नहीं उठ रही है। पहले ट्रिप थी तो अभी उसको उठा के देखते हैं कि वह उठ रही है नहीं उठ रही है, क्योंकि हमने उस स्विच बोर्ड को, देखिए आपको क्या करना है, उस स्विच बोर्ड के सारे स्विच ऑफ कर देने हैं। पहले इस बात का ध्यान रखिए यहाँ पर एक स्विच है, लेकिन आपको क्या करना है, उस रूम के सारे स्विच ऑफ कर देने, उसके बाद आपको बताएंगे कि कहाँ क्या करना है। चलिए उस एमसीबी बॉक्स के पास चलते हैं। तो फिर से हम उस एमसीबी बॉक्स के पास आ गए, तो अभी उसमें जो एमसीबी है उसको उठाते हैं, देखिए क्या होता है। ये देखिए दोस्तों एमसीबी को जैसे ही हमने उठाया है तो एमसीबी आसानी से बिल्कुल उठ गई है। तो अभी चलते हैं हम उस स्विच बोर्ड के पास। तो गाइज अभी हम उस स्विच बोर्ड के पास आ गए, लेकिन आपको क्या देना है ध्यान वो देख लीजिए आप। आपको क्या करना है, उसका स्विच ऑफ कर देना है, किसका, जो स्विच से एमसीबी डाउन हो गई थी, यानी कि जिसको ऑन करने के बाद एमसीबी आपकी डाउन हो गई थी। तो आपको क्या करना है, उस चीज को पकड़ना है, यानी उस फॉल्ट को पकड़ना है। तो हमने देखिए ये पकड़ लिया है, यानी कि हमें लग रहा है कि इस जो होल्डर है इसमें फॉल्ट था। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्विच ऑन करके देखने हैं। देखिए अभी हमारे रूम में लाइट आ चुकी है, देखिए रूम में लाइट आ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि जो फॉल्ट था वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। दोस्तों 2 टिप्स आपको दिए, तीसरी टिप्स भी आपको देंगे। अगर आपके घर के इन्वर्टर के पॉइंट बंद हो गए, मान लीजिए आपके घर के इन्वर्टर के सारे पॉइंट बंद हो गए, तो आप उस समय क्या करोगे, देखिए आपको क्या करना है, आपको इन्वर्टर के पास आ जाना है, यानी जहां पर आपका इन्वर्टर लगा हुआ है वहां पर आ जाना है, और मोबाइल या किसी भी टॉर्च को ऑन कर लेना है। ठीक है, आपको ऑन कर लेना, उसके बाद आपको इन्वर्टर में चेक करना है कि इन्वर्टर के पीछे, देखिए इन्वर्टर के पीछे क्या होता है, या तो एमसीबी लगी होती है, ये देखिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इन्वर्टर के पीछे यानी पीछे का जो हिस्सा है वो देखना है। देखिए उसमें क्या देखना है आपको, नंबर एक तो हो सकता है आपकी जो वायर होती है वो आपने नेकेड लगा रखी हो, उसमें 3 पिन टॉप अगर नहीं लगा रखा है तो वो जल सकती है, पहला कारण। दूसरा कारण आप क्या देखेंगे, दूसरा कारण ये देखेंगे कि इसमें जो लगे हुए फ्यूज, देखिए उसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो वो फ्यूज हो सकता है लगा हुआ, इनपुट और आउटपुट दोनों पे होता है। देखिए एक फ्यूज है चार्जिंग का, देख लीजिए आप, एक फ्यूज होता है चार्जिंग का और दूसरा फ्यूज होता है दोस्तों आउटपुट का। तो इनमें से एक फ्यूज जो है वो खराब हो सकता है दोस्तों। और क्या देखेंगे आप, और अगर इसमें एमसीबी लगी हुई है तो एमसीबी देख सकते हैं, एमसीबी भी ट्रिप हो सकती है। तो इन 3 चीजों का आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, तो आपके घर की जो लाइट है वो आप अपने आप से खुद ठीक कर सकते हैं रात के समय। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।